12 तरीक बारे सुने जी अभी शुरू तो दीनानगर शहर के शुरू तो निवासी हैं। 12 तरीक जी हमारा रणजीत सिंह की एक बनाई एक बहुत किले टाइप बिल्डिंग होंगी है, अं छोटे होंगे तो उत्थे देखते रहे हैं। उत्थे काफ़ी चीज़ा सानू पुरानी इतिहासिक चीज़ा देखने को मिलती रही हैं, जिदा उत्थे घड़ी होंगी ही एक जड़ी जिदी धुप नाल चलने वाली काफ़ी चीज़ा तो इतिहासिक ही उत्थे हुण काफ़ी ढह चुकियां बिल्डिंगा बन चुकी है। काफ़ी लोगों के संघर्ष तो बाद भी सरकार ने ये वाल ध्यान नहीं दिता तो हूँ वो बिल्कुल कहते ढह ढेरी हो चुकी बिल्डिंग आ। पर दीनानगर का इतिहास है कि महाराज रणजीत सिंह जिहड़े आ उन्होंने दीनानगर को अपनी राजधानी बनाया हुआ सी किस टाइम के उत्ते दीनानगर तो पूरी उन्होंने फोकस ही दीनानगर से महाराज रणजीत सिंह का। बाकी सरकार की है जी बिल्कुल जी दीनानगर के प्रति अनदेखी की गई है, वह नतीजा कि महाराज रणजीत सिंह की जी बनाई हुई एक विरासत ही वो खत्म हो जा रही। महाराज रणजीत सिंह ने जी इन्हू राजधानी बनाया हुआ ही दीनानगर में बकायदा किला नुमा बिल्डिंग बनाया था ही, चारे शहर के चारे पास उन्होंने दरवाजे ही रखे थे किले टाइप बड़े बड़े दरवाजे छोटिया छोटिया इतना के अच्छ भी लोग उन्होंने देखने आते हैं काफ़ी दूरों दूरों। वो बिल्कुल खंडर हो चुकी हैं, वो बिल्कुल खंडर हो चुकी हैं, दरवाजे डिगन की कगार दे आ, ना प्रशासन ने ना लोकल कमेटी ने कोई उन्होंने संभाल की। अं मंग करने प्रशासन को कि दीनानगर एक इतिहासिक शहर है जिदे वाल किसी ने अज तक देखा ही नहीं। एक महाराजा रणजीत सिंह ने बनाई हुई नगरी जी दीनानगर है उन्होंने इनू अपनी राजधानी बनाया हुआ है कई टाइम के उत्ते गर्मिया जिते आगे रेंदे होंगे ही चाहते हैं कि आ जी महाराजा रणजीत सिंह की बनाई हुई पुरानी विरासत में जिस तरह है वो टाइम के उत्ते सुरक्षा किया जाए, इनू एक मिजोरम टाइप दीनानगर में एक चीज़ दी जाए। ये जदों जी वो कहें भी गर्मिया के दिन होंगे ही ना, जो गर्मिया के दिन भर ही गर्मिया होंगे रही तो महाराज रणजीत सिंह जी साढ़े दीनानगर इतने आ गए साढ़े बागों वाला शहर भी कहा जाता है। तो महाराज रणजीत सिंह जी इतने आ गए तो विश्राम करते होंगे अपने साढ़े इतने नगर कौंसल दीनानगर दफ्तर के उन्होंने जिदा जगह भी बनी दी है जिते वो जिदा घोड़े बनते ही कोई दो चार छह सत्तां दरवाजे वाला एक हाल जहा भी बनया है तो बाकी एक भोरा जहा बने जिते बह के अपने तप करते होंगे पाठ करते होंगे ही बह के वह भी चीज़ बनी हुई है। वो नाल ही परले बने बाग हैगा बाग के बारह दरी हैगी है जी, बारह दरी इदा ही हूँ वरानी हैगी है जी तो उ लागो बच्चों सुरंग जाती रही है। तो महाराज रणजीत सिंह इतने आ गए साढ़े नगर कौंसल के बारे बने एक अही बोर्ड लिख के लाए दा वा उ जिस महाराज रणजीत सिंह ने इतिहास जहाँ लिखे है जी सदी के हालात इन्हों के बिल्कुल हम जिदा खंडर हो गया जी इदा है जी इन्होंने महाराज साफ सफाई हो के इन्हों पूरी विरासत जी है यह कायम रखी जानी चाहिए है तो क्योंकि इन्हें सुंदर बनाना चाहिए वा जिदा इतिहास जो सा एक विरासत वाली चीज़ा है सामभ संभाल के रखने वाली चीज़ा है क्योंकि साढ़े गुरुआ पीर जुड़िया हुई वा तो इन्हों पूरी देखभाल होनी चाहिए है। रणजीत सिंह जेडे 1780 ईस्वी के इस महीने पैदा हुए उन्होंने 1799 लाहौर से कब्जा कर लिया और उस तो बाद शेरे पंजाब अखवाए उन्हों का संबंध मॉडर्न गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट रहा जिन्हों असी मुगल काल दे विच जिस जिले नूं असी मुगल काल दे विच जम्मू परगना कहिंदे सी। महाराज रणजीत सिंह दे नाल जिला गुरदासपुर दे नाल जिहदे विच अजकल दा पठानकोट दा जिला भी शामिल है कई जगह हन तां उन्हां दे बारे संखेप तौर ते मैं दसना पसंद करांगा। इस विचों माधोपुर जिथे मुगलां दी आउटपोस्ट हुंदी सी महाराज रणजीत सिंह ने भी एक छोटे जे किले का निर्माण किया ता कि आले दुआले के इलाके ते नजरसानी की जा सके। इस तों अलावा उन्होंने नाल दूसरी प्रसिद्ध संबंधित जगह जिन्हां नूं कई बार उन्होंने समर कैपीटल भी कहा जाता है वह अदीनानगर है जिसका नाम बिगड़ के दीनानगर पै गया। अदीनानगर की स्थापना अदीना बेग ने 1730 की थी। महाराजा रणजीत सिंह ने कांगड़ा वैली दे विच कंपेन्स तों पहला अदीनानगर नूं अपना हैडक्वाटर बनाया और वह मई जून जुलाई के महीने गर्मियों की रुत इत्थे रहा करते सन। इतों का सुहावना मौसम इतों के जंगल इतों का शिकार उन्होंने अट्रैक्ट करता से। जे असी गुरदासपुर तो पठानकोट वल जाइए तो अदीनानगर शहर के एंटर होंदे ही जड़िया सज्जे पासे इमारतां ने जिहदे विच प्रेजेंट थाणा जनरल वनूत्रा जिन्हों अजकल महाराजा रणजीत सिंह गुरद्वारा कहिंदे ने बरंदरी बाग ये सारे महाराजा रणजीत सिंह दे नाल संबंधित ने। महाराजा रणजीत सिंह नूं शौलदारियां दे विच रहण दा शौक से इसलिए उन्होंने इत्थे एक बरंदरी का भी निर्माण किया जिस नूं
पंजाब सरकार ने कुछ साल पहला एक प्रोटेक्टेड मोनूमेंट डिकलेयर कर दिता। बस दीनानगर के बस स्टैंड के खब्बे पासे गौशाला है, इस तो अलावा वो इशनान कर रहे हैं जेडे महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी राणियों वास्ते बनाए सन। महाराजा रणजीत सिंह की बहुत सारिया राणिया दीनानगर के इलाके के आले दुआले के प्रदेश के विचों सन। महाराजा रणजीत सिंह के काल के बहुत सारे जेडे दीनानगर के शहर के हुए, इन्होंने खास तौर पर मैं मैकनाटन मिशन और 1838 की त्रिपक्षी संधि का जिक्र कर सकता हाँ। इस तो अलावा महाराजा रणजीत सिंह ने एक होर स्पॉट दीनानगर के नज़दीक बड़ा वधिया चुनिया घरोटा, जिथे अजकल स्कूल है सीनियर सैकेंडरी स्कूल घरोटे का, उत्थे वह दरख्त हले भी कायम है जिथे महाराजा रणजीत सिंह बह के आले दुआले कुदरती नज़ारियां का आनंद माणते सन। मैं खुद अज तो लगभग 40 साल पहला केशपुर के शंभ के थड़ा वेख्या जिथे महाराजा रणजीत सिंह बैठ के मरगाबियां और होर दूसरे पक्षियों का शिकार करते सी। ए एक बड़ा लुभावना दृश्य होंदा होगा। पर एक गल जिहड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट मैं दसना चाहना दर्शकों, जिसका बहुत लोगों नूं नहीं पता कि महाराजा रणजीत सिंह दे वड्डे वडेरे भी जिला गुरदासपुर दे नाल ही जुड़े हुए सन। महाराजा रणजीत सिंह दा वड्डा वडेरा जिहड़ा देसे दे नाम दे नाल प्रसिद्ध है और जिहड़े जो पिंड सुकरचक अज पाकिस्तान विच चले गया उथों दे वसनीक सन, वह बंदा बहादुर दे नाल दसंबर 1715 ईस्वी दे विच बंदा बहादुर दे नाल लड़न वास्ते गुरदास नंगल की गढ़ी दे विच मौजूद सन और इत्थे ही उन्होंने शहीदी प्राप्त की। उन्हां दी शहीदी सिख इतिहास दे विच एक नवां मोड़ सी, क्योंकि इस शहादत तो बाद पिंड सुकरचक अते उहदे आले दुआले दे प्रदेश विच इस परिवार का ना बाकियों के नालों वखरा हो गया और यही सुकरचकिया मिसल बाद दे विच पंजाब दा मालक बनी और इस मिसल दे विचों ही महाराजा रणजीत सिंह महा सिंह दे घर पैदा होए। तां महाराजा रणजीत सिंह दा संबंध लगभग कई महीने दीनानगर दे नाल रहिंदा सी। इन्हां दीआं कुछ इमारतां जिहड़ियां ने जां ते ढट चुकियां ने ते यां उन्हां नूं सांभण वाला कोई नहीं, इस करके स्टेट गौरमेंट नूं बेनती कीती जांदी है कि वह इन्हां दे नाल संबंधित इमारतां दी सांभ संभाल वास्ते उपराले करे। महाराजा रणजीत सिंह दे बारे मैं एक गल जरूर दसनी चाहवांगा कि वह सैकुलर माइंडेड सन, मतलब कि वह एक धर्म निरपेख राजा सन, भावें उन्हां दे सिख धर्म दे विच अटुट विश्वास सी। उन्हां नूं एक बारी कलानौर दे शिव मंदिर दे बारे शिकायत कीती गई कि इत्थे उत्तर मुगल काल दे विच शिव मंदिर नूं ढा के इत्थे मसीत बना दी गई है, तां उन्हां दे वेले एक इनकुआरी हुई और उस इनकुआरी ने साबित कर दिता कि शिव मंदिर नूं ढा के उस दे उपर मसीत बना दी गई है। इस लई उन्हां दे उत्तराधिकारी खड़क सिंह दे वेले इत्थे मंदिर दी असारी पूरी कीती गई जिहड़ा हाले तक भी कायम है। सो गुरदासपुर जिले दीआं पठानकोट जिले दीआं बटाले दीआं यादां महाराजा रणजीत सिंह दे नाल जुड़ियां होईयां। यह इमारतां हौली हौली लुप्त हो जाणगियां, जिवें कि मैं ना गिणा के कह सकदा कि 1730 दे विच जिहड़ा दीनानगर दे गेट ने उन्हां विचों कुछ ही बचे ने। इस तों इलावा महाराजा रणजीत सिंह दीआं जिहड़ियां इमारतां गुरदासपुर तों जांदिआं पठानकोट दे पठानकोट सड़क ते दीनानगर शहर दे विच विचकार स्थित ने, उन्हां दी कोई हालत बहुती वधिया नहीं, जां ते उन्हां दे उत्ते लोकां ने कब्जा कर लिया। खास तौर पर दीनानगर दीआं दो तीन बिल्डिंगां दा मैं जरूर जिक्र करांगा। एक तो जनरल वेंत्रा जिहड़े दे फ्रांसीसी जरनैल सन, वह घोड़सवारां नूं ट्रेनिंग दिंदे सन जिथे अजकल गुरद्वारा महाराजा रणजीत सिंह बन गया। दूसरी इमारत तारागढ़ दे मोड़ दे बिल्कुल सामने है, यह शिवजी का मंदिर है जिहड़ी महाराजा महाराणी जिंदा ने महाराजा दलीप सिंह दे वेले बनाई। और एक होर इमारत जिदा हुण नामो निशान नहीं लभदा, यह सड़क के खब्बे पासे है, यह राणिया का इशनान घर से। इन्हां इमारतों के कुछ निशान म्यूनसिपल कमेटी के विच या सड़क के आले दुआले बचे हैं, पर इन्हां नूं बचाउण की कोशिश करनी चाहिए है। गौरमेंट ऑफ इंडिया नूं थ्रू उन्हां दा एक अदारा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने इन्हां दा सर्वे किया होया, पर इहदे ते स्टेट गवर्नमेंट और केंद्रीय सरकार दोनों नूं अमल करना पवेगा जे इन्हां इतिहासक इमारतां नूं इस धरोहर नूं असीं आउण वालियां पुश्तां वास्ते सांभ के रखणा।